तो मैं बिग बॉस के पीछे लगा था कि मैं बिग बॉस को एक्सपोज करूं, लेकिन बिग बॉस ने खुद को एक्सपोज किया। कैसे? कल रात बिग बॉस एपिसोड 18 में आप लोगों ने जैसे देखा, सब कुछ ठीक चल रहा था, टास्क भी रद्द हुआ, चलो वो भी ठीक था। उसके बाद बिग बॉस ने नील को बुलाया थेरेपी रूम में कि मुझे थेरेपी की ज़रूरत है। बेसिकली थेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिग बॉस ने स्क्रिप्ट दिया नील भट्ट को कि भाई आप सीधा लड़ो, विकी के खिलाफ लड़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं। विकी ने आपसे कॉन्टेक्ट किया, विकी पूरा शो छाट के आया है। भाई छाट के क्यों ना आए, आपका शो टीवी पे आता है, हर कोई देखता है। फिर आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बनाओ कि हमारे शो पे अगर कोई, हम किसको इनवाइट करते हैं कंटेस्टेंट को, उसमें शर्त ये लगा दो कि वो लोग लेंगे जो जिसने बिग बॉस नहीं देखा। जब आपका टीवी पे शो आता है तो सब लोग देखते हैं, तो फिर आप हर किसी को बोल देंगे कि आपने शो देखा है या शो नहीं देखा है। बकौल आपके कि ये बहुत पॉपुलर शो है, जब पॉपुलर है तो सब लोग देख रहे होंगे। तो बेसिकली बिग बॉस नील को रेडी कर रहे हैं विकी के खिलाफ कि भाई विकी को, विकी से लड़ो, विकी से ये करो। बिग बॉस पूरे घर वालों को कहते हैं कि आप लोगों में दम नहीं है कि आप लोग विकी को, विकी के मुंह पे बोल दो कि आप चुगलखोर हो, आप लड़ाइयाँ करवाते हो। कोने में हर कोई बोलते हैं विकी के खिलाफ, लेकिन आप लोग नहीं बोलते हो। आज बिग बॉस ने भी दिखाया कि बिग बॉस में भी दम नहीं है। नील के सामने बोल रहे हैं बिग बॉस अगर आप में दम है तो विकी को सामने बोल दो, विकी को लाओ, सब घर वालों को बैठाओ और बोलो कि विकी ये है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। आप भी विकी के खिलाफ मुहिम चला रहे हो ना, विकी को डिलीट करने का। आपका पूरा शो विकी चला रहे हैं, आपका पूरा शो विकी चला रहे हैं, अब हम कोई और लोग देखते नहीं है। बिग बॉस वाले चाहते हैं कि मनारा और मुनव्वर का रिलेशनशिप शुरू कर दे और लोगों को बाहर ये दोनों दिखा दे। आप लोगों ने पिछले एपिसोड में नहीं देखा, मुनव्वर और मनारा को बुलाया था बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में कि भाई तुम लोग साथ रहो, हम आपकी जोड़ी बनवाना चाहते हैं। तो बिग बॉस जबरदस्ती उन दोनों का जोड़ी बनवाना चाहते हैं जो देख ही नहीं रहा है। अभिषेक देख रहा है, अभिषेक को बिग बॉस डांटता है हर चीज में, अभिषेक ही है, अभिषेक ही है हर चीज में। विकी भैया, विकी भैया, विकी भैया, विकी भैया, यार अगर बिग बॉस अगर आप इतना तंग हो तो उसको क्यों बुलाते फिर? और जिस तरीके से आप नील को बोला कि उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, वो ये है, वो ये है, आप लोग बोलते नहीं हो, उसके सामने बोलो। प्रोमो में देखा है नील ने कितना बोला, नील अपनी बीवी के अलावा किसी से नहीं लड़ सकता। नील और ऐश्वर्या ये खुद से लड़ सकते हैं, ये दोनों आपस में, ये और घर वालों से नहीं लड़ सकता। विकी ने तो कुछ बोला भी नहीं है, अगर विकी ने जबान खोला ना तो ये नील ऐश्वर्या तो ये लोग भाग जाएंगे। जिस तरीके से बिग बॉस ने टास्क रद्द किया, आप लोगों ने देखा ना टास्क रद्द किया, बिग बॉस को पता लग चुका है। पता कैसे लग चुका है? जब ये टास्क जो मुनव्वर की जो टीम थी वो हारी थी और अंकिता की टीम जीती थी, लेकिन सना रईस खान ऊपर वाला उसको दिमाग दे, उन्होंने देखा नहीं। जब देखा नहीं तो फिर आपने ये कैसे भूल दिया कि मनारा जीत गई, अंकिता की पहले जमीन पर लगा, वो भी ठीक है। फिर इधर विकी का दिमाग चेक करो, ये पॉइंट मैं इसीलिए लाया ताकि मैं आपको विकी का दिमाग बताऊं, पढ़ू। विकी सब लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप लोग पीछे हो जाओ, ये केस 99.9% सॉल्व है। वो मेरे पे छोड़ दा, अंकिता को बोलते हैं कि तुम चुप रहो। जैसे विकी सना के पास जाती है तो मैं जो करना है मेरे साथ कर, तो मैं जो दुश्मनी रखे रखेंगे ज़बरदस्ती रखेंगे, लेकिन ये गलत मत कर। जैसे वो डिसीजन बदलने वाली थी विकी के कहने पर, बिग बॉस ने बताया कि भाई बजर बजा तो टीम जो जो दिमाग वाला कमरा है वो अपना राशन ले सकते हैं। फिर उसके बाद पूरा झड़प हो गया। झड़प के बाद बिग बॉस ने नील को बुलाया थेरेपी रूम में, आपने जैसे मैं शुरू में बताया, और भड़काया, स्क्रिप्ट दिया कि विकी आपसे बाहर मिला था, विकी आप लोगों के ऊपर चढ़ 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 ऊपर चढ़ रहे हैं, आप लोग उसकी सीढ़ी हो, वो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, आप लोग गधे हो, आप लोगों को क्यों समझ नहीं आता। बिग बॉस विकी के पीछे पड़ा है, बिग बॉस अभिषेक के पीछे पड़ा है, बिग बॉस ईशा के पीछे पड़ा है। हालांकि ये तीनों शो चला रहे हैं,
हमें एपिसोड में एक विकी देखता है, एक अभिषेक देखता है, एक अंकिता देखता है, ना तो हमें मुनव्वर देखता है, ना तो हमें तहलका भाई देखता है, ना हमें अरुण देखता है। तो बिग बॉस क्यों उसके पीछे आप पड़े हो? तो आपका बिग बॉस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप में खुद भी दम नहीं है। अगर आप में दम होगा तो आप सब घर वालों को बैठाओ और कह दो कि घर वालों आप लोग क्यों इसके मुंह पे नहीं कहते हो, ये आपको अपने इशारों पर नचा रहा है। और बिग बॉस खुद भी ये कह दे कि मैं विकी के खिलाफ प्लानिंग करता हूँ, नील को बोला है ताकि ये लोग झगड़े। बिग बॉस ये नहीं बोलते क्योंकि बिग बॉस में भी दम नहीं है इसको बोला, क्योंकि उसको पता है अंकिता को बुरा लग सकता है, इसको भी पता है कि भाई हमारे सर पे भी ऊपर सर है। तो जिस तरीके से बिग बॉस ने नील को भड़काया और प्रोमो में जैसे नीचे प्रोमो चल रही है, आप लोग देख रहे हैं आज के एपिसोड में ये दोनों लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि बिग बॉस कपल वर्सेस कपल करवाना चाहते हैं कि कपल वर्सेस कपल लड़े, हमें टीआरपी मिल जाए, मुनव्वर और मनारा साथ घूमे ताकि हमें टीआरपी मिल जाए। बाकी अगर कोई बदनाम होता है तो बदनाम हो जाए, उसे बिग बॉस का कोई लेना देना नहीं है, बिग बॉस को टीआरपी से मतलब है। मुनव्वर कहते हैं कि बिग बॉस मेरा बार बच्चा है, मेरा बार बंदी है, मैं नहीं कर सकता ये। लेकिन बिग बॉस ज़बरदस्ती उसको कन्फेशन रूम में बुला कि भाई आप मनारा के साथ घूमो। भाई वो नहीं घूमना चाहते, फिर ऐसा गंदा गेम मत खेलो बिग बॉस। हम विकी के लिए बिग बॉस देखते हैं क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों को अपने इशारों पर नचवाते हैं हमें अच्छा लगता है, हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा प्लेयर बिग बॉस में नहीं देखा है, आप उसके पीछे लगे हो जो पूरा शो आपका चला रहा है, तो ये गलत है बिग बॉस। अगर आप ऐसा करते हो, लोगों को बुलाते हो, नील को बुलाते हो और पूरा स्क्रिप्ट देता हो कि ये करो बेटा मैं आपके पीछे हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, और नील कुछ नहीं है, वो अपनी बीवी से नहीं लड़ सकता, वो और लोगों से क्या लड़ेगा। विके 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 अंकिता अंकिता नहीं अंकिता नहीं, फुल एक्टिंग चालू है दोनों मियाँ बीवी का, नील और शिवर का फुल एक्टिंग चालू है, और ये विकी का मुकाबला नहीं कर सकता, पूरा घर विकी का मुकाबला नहीं कर सकता। मुनव्वर को भी ये बात पता है कि विकी मेरे को एक ना एक दिन डसेगा, मुनव्वर को पता है ये चीज़, इसलिए मुनव्वर उसे बचकर बचकर गेम खेलता है, उसको पता है। तो लव यू गाइस, और ये थी पूरी एपिसोड की रिव्यू। लेकिन बिग बॉस पूरा गंदा गेम खेलता है क्योंकि पूरी एपिसोड में ये दोनों मुद्दे की बात थी, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ रख दूँ। बिग बॉस विकी के साथ बहुत बुरा करते हैं, अगर विकी के साथ ऐसा बुरा करते हैं तो फिर हम शो नहीं देख सकते क्योंकि बिग बॉस अपना मनमानी करते हैं। आपका काम है कंटेस्टेंट को घर में लाना, बाकी वो किस तरीके से गेम खेलता है आप उसको नहीं सिखाओगे बिग बॉस, वो आपका रूल नहीं है, वो आपका हक नहीं है। हाँ ये फजूल काम मत करो बिग बॉस, अगर ऐसा आप करते हो तो फिर भाई खुदा हाफिज़, हम बिग बॉस नहीं देखते, क्योंकि एक बंदा है वो अच्छा खेलता है, एक बंदा है वो बुरा खेलता है, तो आप बुरे की साइड मत लो। बुरे को खुद पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो खुद क्यों नहीं बोलता है? तो बिग बॉस दिस इज़ अनफेयर, दिस इज़ अनफेयर।